Rico, we know you are listening. One by one until you step forward. The more lives will be spared. Anyone have anything to say? Rico, reveal yourself. आपने कभी सोचा है कि फांसी सूरज निकलने के बाद क्यों दी जाती है? सबसे बड़े अपराध की सबसे बड़ी सजा है फांसी देना। भले ही कुछ लोग इसे गैर कानूनी और मानवता के खिलाफ मानते हों, लेकिन आज भी भारत जैसे देशों में अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए फांसी के फंदे तक ही पहुंचाया जाता है। भारत में अभी भी 404 लोग ऐसे हैं जिन्हें फांसी दी जानी ही बाकी है। दोस्तों, आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को दिल्ली के सामूहिक बलात्कार के केस में दी गई थी, और उससे पहले जो फांसी दी गई थी वो जुलाई में 2015 में याकूब मेमन को दी गई थी। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर केसों में कुछ सालों की सजा या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जब किसी अपराधी को पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे मानवता के लिए खतरा समझा जाता है, तब जाकर उसे फांसी दी जाती है। फांसी देने के लिए हमेशा पूर्व उदय से पहले का समय तय किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह के समय पर किसी भी व्यक्ति का माइंड कम काम करता है, वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाता है, और इसीलिए सुबह के समय उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहती है। इसके साथ जब किसी को फांसी दी जाती है तो सोसाइटी पर इसका बुरा असर पड़ता है, और इसीलिए जब किसी को फांसी दी जाती है तो सुबह दी जाती है, क्योंकि जब लोग सो के उठे उन्हें पता न चले कि क्या हुआ है और वो जागते न रहे। इसके साथ सूरज निकलने के बाद जेल के सारे काम शुरू होते हैं, और उन्हीं कामों में किसी प्रकार की अवरोध न आए इसीलिए सुबह फांसी दी जाती है सूरज निकलने से पहले।